नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सिजल आपके साथ। इफ्तार पार्टी आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन फलाहार पार्टी ये सुनना थोड़ा सा अजबजा सा लगता है। लेकिन अपने ही शहर में 10 सालों से नवरात्रि पर फलाहारी का कार्यक्रम हर साल आयोजन किया जाता है। आज इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं गिरिराज सिंह फैंस क्लब के प्रदेश अध्यक्ष राजीव कुमार। उनसे बात करेंगे कि ये नया कॉन्सेप्ट कैसे दिमाग में आया और किस तरह से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में 9 दिनों तक ये फलाहार का आयोजन किया जाता है। पहले तो राजीव कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट लुक की तरफ से। जी नमस्कार। ये नवरात्रि पर फलाहारी का कार्यक्रम का थॉट कैसे आया? ये माननीय मंत्री हमारे गिरिराज सिंह जी, जो हमारे अभिभावक हैं, उनकी एक सोच थी कि अपने समाज के बहुत वैसे लोग होते हैं जो पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ करने पर उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती, जिस वजह से वो फलाहार करने में वो नहीं हो पाती है। तो हम लोग एक थिंक बनाए कि नहीं, सामूहिक रूप से अपने समाज के जो लोग हैं उनको साथ बैठाकर हम लोग 9 दिन नवरात्रि पर फलाहार का आयोजित करें, और आयोजन करते आ भी रहे हैं और लोग आते भी हैं। तो पहला दिन कल स्थापन है, कल से फलाहार का प्रारंभ होगा, तो कल पहले दिन कहाँ पर यह आयोजन रखा जाने वाला है? गिरिराज सिंह फैंस क्लब की ओर से नवरात्रि फे फलाहार के पहले दिन का कार्यक्रम, जो कि होटल आस्था परिवार की ओर से आयोजित है, उसमें माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं सहकारिता राज्य मंत्री आदरणीय श्री गिरिराज सिंह जी स्वयं उपस्थित रहेंगे और उन्हीं के शुभ हाथों से उद्घाटन होगा, जो 9 दिन आपको चलेगा विभिन्न तिथि को विभिन्न जगहों पे। ये एक दिन नहीं, उसमें 9 दिन हम लोगों का गिरिराज सिंह फैंस क्लब के बैनर तले होते हैं। और हाँ, हम हिंदुओं के जो गार्जियन लोग हैं जो सहयोग करते रहते हैं, तो उन लोगों के द्वारा होता है। तो ये 9 दिन अलग अलग होता है, तो 9 दिनों के बारे में एक लिस्ट बता दीजिए कि जो भी इस फलाहारी कार्यक्रम में जुड़ना चाहेंगे वो जुड़ सकते हैं। फलाहार ही है तो सब कुछ रहते हैं, सेब हुआ, आपको साबुदाना का खीर हुआ, केला हुआ, बेदाना होते हैं। नहीं, 9 दिन कहाँ कहाँ पे होंगे वो 9 दिन? आपने कहा ना कि हर दिन अलग अलग जगह पे होते हैं, अलग अलग लोगों के द्वारा किए जाते हैं। 9 दिन कहाँ कहाँ होंगे उसके बारे में बता दीजिएगा जरा सा। उद्घाटन तो हमारे होंगे इमली चट्टी में, होटल आस्था परिवार की में। फिर दूसरे दिन HS मॉल के द्वारा, तीसरे दिन JK रेसिडेंसी परिवार के द्वारा। अभी तक हम लोगों के पास लिस्ट हम लोग 3 दिन का रखे हैं, पर रेगुलर 9 दिन रहेंगे हमारे पास। तो वहाँ पे साथ ही साथ फलाहारी कार्यक्रम होगा, नवरात्रि में स्पेशली हो रहा है, तो नवरात्र पूजा का भी कोई विशेष इंतज़ाम वहाँ पर? हम लोग जो नवरात्र का फलाहार आयोजन करते हैं, तो सर्वप्रथम पहले माता की तस्वीर लगाकर उनका विधिवत शाम की जो आरती होती है, सब आरती का करके उनके बाद हम लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। एक तरह से एक छोटा पूजा हम लोग कह सकते हैं, एक छोटा पूजा करके उनकी आरती करके फिर हम लोग पूजा करते हैं। तो हर दिन अलग अलग जगहों पे होता है ये फलाहार कार्यक्रम का आयोजन, तो हर दिन वो अलग अलग जगह माता की तस्वीर रखकर हर जगह पूजा होती है? सभी जगह पे आपको तस्वीर रहेगी, आरती होगी और पूजा होगी। आजकल बिहार में भी ये गरबा डांडिया नाइट्स का भी प्रोग्राम रखा जाता है, तो क्या इस कार्यक्रम में वो भी सप्तमी अष्टमी के दिन ये आयोजन होना है? नहीं, इसका तो अभी तक नहीं है, पर सोचनी है, इसको हम विचारनी है, आपका सुझाव माना जाएगा और अगली बार से कोशिश होगा। पर अभी तक हम लोग सिर्फ फलाहार, क्योंकि हम लोग गिरिराज सिंह फैंस क्लब की सोच है कि हर हिंदुओं के अंदर ये भावना आए कि वो एक सामूहिक फलाहार करें, सामूहिक अपने समाज को इकट्ठा करके पूजा करें और सामूहिक बैठ के हम लोग फलाहार करें सामने। तो ये सिर्फ नवरात्रि में ये फलाहार कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है या और पर्व त्यौहार भी बहुत सारे हिंदू में तो फेस्टिवल्स आते रहते, तो उनमें भी ये फलाहार का कार्यक्रम किया जाता है? जी, हम लोगों के द्वारा छठ महोत्सव मनाया जाता है, छठ पूजा जो होते हैं, छठ पूजा में भी हम लोग छठवर्ती जितने होते हैं उनको बुलाकर एक लिस्ट बनता है, उसमें 25-50 लोगों का हम लोग उनको बजाते सम्मानित नहीं, छठ पूजा करने का सामग्री उपलब्ध कराते हैं।
छठ पूजा में जो भी फल फूल साड़ी कपड़े वगैरह सब कुछ एक छठ करने में एक छठ व्रती को जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, नारियल हुआ, सूप हुआ, क्या बोलते हैं उसको, अगरबत्ती हुआ, ये सब कुछ जितने पूजे में लगते हैं छठ पड़ते हैं सब कुछ। और दशहरा को लेके भी कोई विशेष कार्यक्रम का आयोजन होना है? दशहरा मतलब? मतलब दशमी के दिन, विजयदशमी के दिन नवरात्रि पे फलाहार, नवरात्रि पे फलाहार जो सिर्फ हम लोगों का आयोजन, क्योंकि पूजा हम लोग आस्था कर पर सिर्फ एक समाज को संदेश देना कि फलाहार आप लोग, और ऐसा नहीं है, गिरिराज सिंह फैंस क्लब ने जब से फलाहार चालू किया है तब से हमारे मुजफ्फरपुर सहित बिहार में भी कई एक जगहों पे ये संदेश पहुंचा है और लोग सामूहिक फलाहार करना चालू कर दिए हैं। शुरुआत इसकी किसने की थी, मतलब इस सोच के साथ शुरुआत कौन आया था लेकर ये सोच? हमारे माननीय मंत्री गिरिराज सिंह जी, उन्होंने शुरुआत की थी। तो ये नवमी के दिन कन्या पूजन भी होता है, तो उसके लेकर भी कुछ विशेष कार्यक्रम? कन्या पूजन का भी प्रपोजल हम लोगों के नहीं, फिर आगे होगा जी। फलाहार सिर्फ फलाहार जी। बहुत बहुत धन्यवाद। गिरिराज सिंह फैंस क्लब के द्वारा नवरात्रि पर फलाहारी का आयोजन किया जा रहा है 9 दिनों के लिए। जो भी लोग इंटरेस्टेड है या फिर जो भी लोग माता की भक्ति फलाहारी एक साथ में करना चाहते हैं लोगों के, वो आ सकते हैं। हर दिन कई अलग अलग जगह पे ये फलाहारी का आयोजन किया जाएगा। इस खबर को हम यही समाप्त करते हैं और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।